आरपी भारत केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूँ अंजलि, आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की किसी प्रमुख खबर से। भाजपा और कांग्रेस विधायक की जुगलबंदी जोड़ी ने झारखंड का राजनीतिक पारा बढ़ा दिया है। दुमका उपचुनाव से ठीक पहले दुमका सांसद सुनील सोरेन के खिलाफ उनके ही दल के विधायक द्वारा उन पर गुटबाजी का आरोप लगाना भाजपाइयों के गले की हड्डी बन गई है। राजनीतिक गलियारों में दुमका उपचुनाव में कहीं झामुमो के टिकट पर रणधीर सिंह तो चुनाव नहीं लड़ेंगे, ऐसे कयास राजनीतिक में लगाए जा सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार भाजपा विधायक अपने ही दल के खिलाफ मुखर होकर विरोध कर रहे हैं, उससे यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि रणधीर सिंह कहीं दुमका उपचुनाव की रणभेदी तो नहीं बजाए। बहरहाल जो भी हो, लेकिन इतना तय है कि पूर्व कृषि मंत्री सह सारठ से भाजपा विधायक रणधीर सिंह का सत्ता मोह जाग रखा है। सत्ता से दूर भाजपा विधायक को अब सत्ता पक्ष रास आने लगे हैं। जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी की इतनी तारीफ कर दिए कि भाजपा नेताओं को अपने ही विधायक की बातें पचाना मुश्किल हो गया है। भाजपा विधायक रणधीर सिंह ने कांग्रेस के जामताड़ा विधायक के तारीफ के इतने कशीदे गड़े कि उन्होंने इरफान अंसारी को कर्मवीर की संज्ञा दे दी। उन्होंने कहा कि इरफान अंसारी दिन रात एक कर जनता की सेवा में खड़े रहते हैं और जनता के हित के लिए लड़ाई लड़ते हैं। मेरा तो मानना है कि इन्होंने अच्छा किया कि योजनाओं के शिलापट पर यहाँ के स्थानीय दुमका सांसद सुनील सोरेन का नाम नहीं दिया। विकास की योजनाएं लाए तो निश्चित तौर पर शिलापट पर नाम होना चाहिए, लेकिन जब कोई योजना ही नहीं तो फिर नाम क्यों? ठीक यही हाल मेरे विधानसभा क्षेत्र सारठ का है। मैं भी शिलापट पर सांसद का नाम नहीं देता हूँ। पूर्व के हमारे सांसद शिबू सोरेन ने कभी भी योजनाओं में अपने नाम को लेकर आवाज नहीं उठाई, बल्कि वे तो कहते थे कि शिलान्यास उद्घाटन सब तुम ही लोग कर लो, बस जनता का विकास होना चाहिए। परंतु वर्तमान सांसद पार्टी में केवल गुटबाजी करने में लगे हुए हैं और कुछ चुनिंदा लोगों की बातों में चल रही है। चुनाव के समय मुझे खूब याद करते थे और मैंने तन मन धन से उनके चुनाव में मेहनत की, जिसका नतीजा है कि वह आज यहाँ के सांसद हैं। परंतु बड़े ही अफसोस की बात है कि ये सब बातें वह आज भूल गए। जामताड़ा सहित पूरे दुमका लोकसभा में विकास कार्यों की कमी है, इसीलिए गुटबाजी छोड़कर विकास करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। भाजपा विधायक के अचानक बदले सुर ने संथाल में भाजपा का राजनीतिक पारा बढ़ गया है। इधर कांग्रेस विधायक इरफान की कूटनीति ने संथाल सहित प्रदेश भाजपा में ऐसी खलबली मचाई है कि भाजपा का कुनबा बिखरता नजर आने लगा है। दुमका से विनोद त्रिवेदी की रिपोर्ट। हम लोगों ने रेड किए हैं, ये कहें हम कहें, तो योजना जब आएगा तो नाम आपका नहीं पड़ेगा, तब हाइटोबा मचाइए। निश्चित रूप से आप सांसद हैं, अगर भारत सरकार की योजना है, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, प्रधानमंत्री सेतु योजना, तो एक नंबर में सांसद का नाम रहेगा, नीचे में विधायक का नाम। प्रोटोकॉल में सांसद को उदाहरण समय भी संबोधित करेंगे। राज्य घोषित योजना है तो पहले एक नंबर में विधायक का नाम रहेगा, दो नंबर में सांसद का नाम रहेगा, उपस्थित नहीं हम लोग भी जानते हैं। अगर कोई मिनिस्टर होता है तो सांसद प्रोटोकॉल में मिनिस्टर से ऊपर होता है, ये विधानसभा को पता है, मुझे भी पता है, इसको हाइथोबा में जाने की आवश्यकता नहीं है। निश्चित रूप से प्रोटोकॉल में उनका नाम पड़ेगा, लेकिन सिर्फ नाम दिलाने से नहीं होगा, दुमका सांसद को काम भी करना चाहिए ना। अब सांसद हैं, जनता के बीच में आइए, काम करिए। अब काम क्या किए थे हमारे विधानसभा में? मैं साहब का विधायक मुझे काम बता रहे हो, सिर्फ गुटबाजी करते हैं वो। मेरे विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी गुटबाजी कर पा रहे हो, ये सच्चाई है। सच्चाई को कोई नकार नहीं सकता। प्रोटोकॉल में नितुन का नाम है, नाम पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि बोला वो सांसद है, हमसे सीनियर है, वो बलिता में हमसे सीनियर है, हम लोग से सीनियर। विधायक को भी रचना क्या नहीं कर सकते क्षेत्र, विधायक को आप गांव में नहीं बढ़ा सकते हैं, उन पहाड़ के नीचे आएगा। हमें दुमका में जाकर वोट नहीं लेना उनके पीछे में, उनको साथ आना होगा, उनको जाना होगा, उन पहाड़ के नीचे आएगा, ऐसा नहीं है भैया।
जो दम यहां है दम यहां भी छलक रहा है। ये फेसबुक से एमएलए एमपी नहीं बने हैं, माननीय मोदी जी के नाम भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता को बनाया, मोदी जी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता को बनाते, मैंने भी सरकार को मदद किया, लेकिन बताओ सांसद मेरे क्षेत्र में वो आते हैं ये फोन तक नहीं करते विधायक, मेरे क्षेत्र में घुसते हैं वो फोन तक नहीं होता विधायक को, जब चुनाव नहीं जीते रोज फोन करते थे, इसलिए हमने दिलवाने में मदद किया उनको, जिताने में मदद किया, तन मन धन से हमने काम किए, और आज कुछ लोगों के जाल में फंसते जा रहे, ऐसे मत फंसिए आप, अब सबके और कभी खान साहब के भी सांसद हैं, हमारे भी सांसद हैं, सांसद सबका होता है, इसलिए मैंने चीजों को स्पष्ट कर दिया।